दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब एक पक्षी को खुले आसमान में छोड़ा जाता है या फिर किसी मछली को उसके तालाब या नदी में छोड़ा जाता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों, हमारी ये अच्छाई दूसरों के लिए जानलेवा भी हो जाती है। दोस्तों, ये जो आप गोल्ड फिश पालते हैं, ये आकार में काफ़ी छोटी होती है और देखने में काफ़ी क्यूट सी दिखती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। और दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब आप इसे आपके घर के एक्वेरियम से निकाल कर किसी नदी या तालाब में जाके छोड़ देते हैं, क्योंकि तब ये छोटी सी मछली 2 से 3 किलो तक बड़ी हो जाती है। और साथ ही में ये अपने आसपास की मछलियों के अंडे खा जाती है। और इतना ही नहीं, ये पानी की तलछट में जाकर काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलाती है, जिससे इसके आसपास की मछलियाँ बीमार पड़ जाती हैं। दोस्तों, इसके इतने जानलेवा होने के कारण कई देशों ने इसको तालाब या नदी में छोड़ने पर बैन लगा रखा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर जरूर करना।